ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस साल T20 वर्ल्ड कप 2020 हुआ पोस्टपोन, जिसके चलते IPL 2020 का रास्ता हो चुका है साफ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के तरह सीजन यानी कि IPL 2020 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब IPL 2020 का डेट भी कन्फर्म हो चुका है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं IPL 2020 की स्टार्टिंग डेट कि किस तारीख से IPL 2020 अब स्टार्ट होगा और किस तारीख को IPL 2020 से खत्म होगा और कहां पर खेला जाएगा IPL 2020 का यह सीजन, जो कि इसके वेन्यू के बारे में भी बात करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2020 भी टल चुका है, तो पूरी विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट से जुड़ी हर एक नूतन अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर, तो COVID-19 महामारी की वजह से IPL 2020 को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था, जहां पर अब IPL 2020 के लिए कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में, तो गाइस IPL 2020 को अब शुरू करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि T20 वर्ल्ड कप 2020 अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेला जाना था ऑस्ट्रेलिया में, जिसके चलते IPL 2020 के लिए काफी बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अब रिपोर्ट के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2020 को पोस्टपोन किया जा रहा है। ICC इसी हफ्ते T20 वर्ल्ड कप 2020 को टाले देगी, जिसके चलते IPL 2020 का रास्ता साफ हो जाएगा, जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप 2020 के विंडो में यानी कि अक्टूबर नवंबर के विंडो में IPL 2020 का आयोजन होगा, जो कि अभी इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन अक्टूबर नवंबर के विंडो में हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया एक बार डेली टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक अब T20 वर्ल्ड कप 2020 को इसी हफ्ते आधिकारिक तौर पर ICC स्थगित कर देगी, यानी कि इसे टाल देगी, जो कि ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ वापसी की तैयारी शुरू करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तैयारी शुरू कर रही है इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले ODI और T20 सीरीज की तैयारियों के लिए। आपको बता दें कि अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे और T20 सीरीज के लिए तैयारी शुरू करने को कहा गया है, और ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लगभग 100% तय हो चुका है कि इस हफ्ते ICC T20 विश्व कप 2020 को टाल देगी। तो ये बहुत ही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, जहां पर IPL के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। तो गाइस, ऐसे में अब यहां पर T20 विश्व कप 2020 का टलना लगभग 100% कंफर्म हो चुका है। ऐसे में अब यहां पर IPL 2020 25 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा, 1 नवंबर 2020 को खत्म होगा, जो कि इस टाइम फ्रेम में IPL 2020 की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया है BCCI ने, और इसी टाइम फ्रेम पर इसी विंडो पर काम कर रही है BCCI। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर BCCI ने IPL 2020 का डेट तो अनाउंस नहीं किया है, लेकिन BCCI के CEO राहुल जोहरी ने 25 सितंबर से लेकर 1 नवंबर के बीच IPL 2020 करवाने को कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि BCCI इसी टाइम फ्रेम पर काम कर रही है, जो कि अब यहां पर BCCI ने भी आदेश दिया है IPL 2020 की तैयारी शुरू करने के लिए इसी टाइम फ्रेम में। तो ये बड़ी अपडेट्स है, जो कि लगभग इसी डेट को भी IPL 2020 स्टार्ट होगा 25 सितंबर से। अब अगर हम बात करें यहां पर IPL 2020 के वेन्यू के बारे में, तो गाइस BCCI ने अभी हाल ही में कहा है कि IPL 2020 को भारत में करवाने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन फिलहाल भारत में COVID-19 के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत में IPL 2020 का आयोजन करवाना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि IPL 2020 को भारत में ही करवाया जाए। जहां पर उनका यह भी कहना था कि हमारा पहला चॉइस है कि मुंबई में कराया जाए, जहां पर मुंबई में 3 से 4 बड़े स्टेडियम है, जिससे IPL 2020 का पूरा सीजन आयोजन हो सकता है और हम बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में IPL 2020 को मुंबई में करवा सकते हैं। लेकिन अगर वहां तक कोरोना वायरस की स्थिति थोड़ी बहुत भी काबू में नहीं होती है, तो फिर IPL 2020 किसी और देश में शिफ्ट करना पड़ेगा, जहां पर UAE इस रेस में सबसे आगे है, यानी कि UAE में IPL 2020 का आयोजन हो सकता है। उसके अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी IPL 2020 को श्रीलंका में करवाने का प्रस्ताव दिया था, जबकि अब यहां पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी IPL 2020 को न्यूजीलैंड में करवाने का बड़ा प्रस्ताव रख दिया है BCCI के सामने। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड इस टाइम पर दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि कोरोना मुक्त हो चुका है, जो कि अगर विदेश में IPL 2020 को ले जाया जाता है, तो फिर UAE इस रेस में सबसे आगे है, BCCI का यह कहना था। आपको बता दें कि
न्यूजीलैंड भले ही कोरोना मुक्त हो गया है लेकिन भारत और वहां के समय में 7.5 घंटों का फर्क है। अगर मैच दोपहर 12:30 बजे पर शुरू होते हैं तो ऑफिस जाने वाले या घर से ही काम करने वाले भी इसे नहीं देख पाएंगे। हैमिल्टन से ऑकलैंड के अलावा वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, नेपियर या फिर डुनेडिन हवाई जहाज से ही जाया जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि आईपीएल संचालन परिषद की बैठक की तारीख जल्द ही बताई जाएगी जिनमें इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो गाइस अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2020 क्या मुंबई में हो पाता है या फिर नहीं, लेकिन अगर मुंबई में नहीं होता तो फिर यूएई या फिर श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड कहां पर होगा। उम्मीद है कि यूएई में होगा या फिर मुंबई में। तो गाइस आगे जो भी न्यूज़ आती है बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल 2020 को लेकर आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुपर फैंस में उसकी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने राय अपने विचार जरूर दें।